गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून मैम. आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रामनवमी. तो सबसे पहले हम रामनवमी के बारे में जान लेते हैं कि रामनवमी हम क्यों मनाते हैं. ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें. ओके, उससे पहले मैं सबको म्यूट कर दूं ताकि आप सब तक अच्छे से आवाज जाए. मैम रिकॉर्डिंग है. सॉरी भैया, पर अच्छा बैठ तो लो. रामनवमी एक सुबह परिवार के सदस्य घर को फूलों और पत्तों से सजाने में लगे थे. टिंकू बहुत उत्सुक था और खुशी से अपने पापा के पास गया, जो दरवाजे पर फूल लगा रहे थे. सदस्य घर को फूलों और पत्तों से सजाने में लगे थे. टिंकू बहुत उत्सुक था और खुशी से अपने पापा के पास गया, जो दरवाजे पर फूल लगा रहे थे. पापा, आज क्या खास है? आप घर को इतने सुंदर तरीके से क्यों सजा रहे हो? तभी माँ आई प्रसाद लेके और बोली, बेटा आज रामनवमी है, भगवान राम जी का जन्मदिन. तभी नीलू आई टिंकू के पास और पूछी अगर वह उसके साथ इस त्योहार पर मंदिर चलेगा. वैसे रामनवमी का महत्व क्या है? हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? उस समय बालू आया श्री राम जी की पेशाक में. मैं बताऊंगा कहानी, मैं बताऊंगा. टिंकू और नीलू बालू को राम जी के भेष में देख कर हैरान रह गए. वाह बालू, तुम बराबर भगवान राम की तरह लग रहे हो. ओ धन्यवाद. अच्छा ठीक है, मैं रामनवमी की कहानी सुनाऊंगा. कई साल पहले रहते थे महाराज दशरथ, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे परेशान थे. संत वशिष्ठ ने उनको ये सलाह दी कि वह यज्ञ पूजा करे और उनको चार पुत्रों का वरदान मिलेगा. जल्द एक दिव्य व्यक्ति यज्ञ की आग से निकल आया, हाथ में मिठाई की थाल लिए हुए. उसने इन मिठाइयों को अपने तीन पत्नियों के बीच बांटने के लिए कहा. जल्द कौसल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको राम का नाम दिया गया. वह अपने तीनों भाइयों के साथ एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर के साथ बड़ा हुआ. तो राम जी का जन्मदिन रामनवमी के नाम से मनाया जाता है. हो तो रामनवमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? हम बोलेंगे. मम्मी मुझे और बाकी लोगों को सुबह सवेरे जगाती है. फिर हम सब सुबह की रस्म रिवाज करते हैं और सूर्य को प्रार्थना करते हैं. और पता है, सारे मंदिर और घर इतने सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं. मेरी मम्मी मुझे भजन कीर्तन सुनने के लिए मंदिर ले जाती है प्रभु राम के जन्म के जश्न में. और मुझे तो गाना कितना पसंद है. और फिर मंदिर के पुजारी मजेदार मिठाइयां और फल सब भक्तों में बांटते हैं. मेरी मम्मी स्वादिष्ट पानका बनाती है हर साल इस त्योहार पे. बहुत ही मजेदार होता है. आज मैं तुम लोगों को पिलाऊंगा. और पिंकू की मम्मी ने सबको पानका पिलाया. हम सब इस दिन पे उपवास रखते हैं भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए. मेरी मम्मी भी उपवास रखती है. और इसके अलावा आज केवल राम भगवान का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि राम और सीता का विवाह भी हुआ था. आज के दिन सीता राम कल्याण उत्सव भी मनाया जाता है.
मैं तुम सबको सीताराम विवाह की कहानी सुनाती हूँ। एक बार था एक राजा जिनका महाराज जो सीता के पिताश्री थे। जब सीता विवाह की लायक हुई तब उसके पिताश्री ने उसके लिए एक स्वयंवर का प्रबंध किया। जो भी शिवधनुष एक भारी धनुष को तोड़ पाएगा वही सीता के लिए योग्य होगा। बहुत सारे राजकुमार कई राज्यों से आए स्वयंवर के लिए। सीता के हाथ के लिए अन्य धर्मों और संस्कृतियों से आए राजकुमार, परंतु कोई भी शिवधनुष को उठा नहीं पाया। बहुत बलवान पुरुष भी थे पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया। उस समय राम और लक्ष्मण उधर आए अपने गुरु वशिष्ठ के साथ शिवधनुष को देखने के लिए। वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को जनका महाराज से मिलाया और शिवधनुष को देखने की अनुमति मांगी। जनका महाराज ने समझाया कि आज सीता राजकुमारी का स्वयंवर था और जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा वही सीता के पति बनने के लायक होगा। महाराज ने उनको शिवधनुष देखने की अनुमति दे दी। राम ने शिवधनुष को देखा और देखते ही उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। बस राम नीचे झुका और आराम से शिवधनुष को उठा लिया। सब लोग ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राम ने तब शिवधनुष को तोड़ दिया और सब लोग जयकार करने लगे। इसके बाद राम का विवाह सीता के साथ हो गया, राम जी के जन्मदिन पर ही, और बहुत सारे लोग जमा हुए इस अनोखे अवसर को देखने के लिए। राम और सीता का विवाह एक त्योहार की तरह मनाया गया। वाह, हमें राम और सीता की पूरी कहानी सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस कहानी को सुनने में बड़ा मजा आया। मैं मंदिर में जश्न मनाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलो और सजावट करने में मदद करें, बहुत मजा आएगा। फिर हम स्वादिष्ट मिठाइयां भी खा सकते हैं। मुझे सब में हिस्सा लेना है। एक मिनट दोस्तों, मैं अभी आया। पिंकू भी राम जी के रूप में तैयार हुआ और फिर तीनों दोस्त साथ गए मंदिर राम नवमी मनाने के लिए। एक दूसरे के साथ तो आप सभी ने जाना कि हम राम नवमी क्यों बनाते हैं। ओके, एक बार मैं अनम्यूट कर देती हूँ सभी को, ताकि अब आपके आपने स्टोरी में क्या सुना, आवाज आ रही है सभी को? तो कैसी लगी आपको स्टोरी राम नवमी की? मैम बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। यस मैम। चलिए अब आप बताइए आपने क्या प्रिपेयर किया है। वन बाय वन आप आर्टिकल्स या कोई भी डांस प्रस्तुत करना चाहते हैं, कुछ भी तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले कौन सुनाएगा? वन बाय वन जल्दी बताइए कौन सुनाएगा। ईशान, इनाया। ओके इनाया, चलिए बाकी सब म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है बेटा इनाया सुनाइए। मैम हमने 5 लाइंस प्रिपेयर किया। कोई बात नहीं सुनाओ। Ram Navami is a most popular festival of Hindu. It falls on the 9th day of the month of Chaitra. It is celebrated to mark the birth of Lord Rama. Lord Rama was the son of Dashrath and Queen King Dashrath and Queen Kaushalya. Ram Navami is celebrated with great joy all over the country. Happy Ram Navami. Thank you. Very good Inaya. Shabash. Koi aur bachcha? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अतीब, आई स्टडी इन 6th ए। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट लाइंस ऑन रामनवमी। Ramnavami is a religious festival which is celebrated by the people of Hindu religion, and Ram Navami is celebrated across the India with devotion to observe the birthday of Lord Rama.
Lord Rama was the king of Dashrath and Queen Kaushalya of Ayodhya. People wake up early in the morning and clean their house and the worship place. They put up an idol of infant Rama, Ram and Sita, or Ram Darbar was for worship. All the devotees go to either Rama or Hanuman temple and chant Jai Shri Ram as a respect to the Lord. According to Hindu calendar, Ram Navami falls on the ninth day of Chaitra month. It is celebrated on the ninth and the last day of Chaitra Navratri every year. People believe that Lord Rama took birth in the Abhijit Mathura or between 12 to 2 p.m. People wake up early. वेरी गुड अतीत, वेरी गुड. अब नेक्स्ट रेक्स कौन सुनाएगा अपनी सॉन्ग प्रिपेयर किया? कौन सुनाएगा इसके बाद? ईशान कुछ प्रिपेयर किया है? मैम मैंने स्पीच, हाँ देव शर्मा, यस पिचा. रामनवमी इज अ स्प्रिंग हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ द हिंदू गॉड लॉर्ड राम. He is a particularly important to the Vaishnavism tradition of Hindus as the seventh avatar of God Vishnu. Harji Bhagwan Rama Ram Navami show is international. The festival celebrates the descent of Vishnu as Shri Rama Avatar. Through his birthday to King Dashrath and Queen Kaushalya in Ayodhya, the festival is a part of the spring Navratri and falls on the ninth day of the bright half. In the Hindu calendar month of Chaitra, This typically occurs in the Gregorian months of March or April every year. Thank you. Very good. Next, कौन सुनाएगा? मैं सुनूंगी. हाँ जी सुनाइए बच्चे. अच्छा. सोमिता सुनाइए बच्चे. Okay ma'am. Ram Navami is the on the Navami of Shukla Paksha of Chaitra month. According to Hindu calendar, Ram Navami is celebrated as King Dashrath. Ram is called the seventh avatar of Lord Vishnu. Ram Navami also marks the end of the nine day उत्सव कॉल चैत्र नवरात्रि. आवर हाउस एंड पिक्चर्स ऑफ लॉर्ड राम सीता लक्ष्मण एंड हनुमान जी आर पुट ऑन अ डेस इन प्रिपरेशन फॉर द पूजा. भजन ऑफ प्रिपरेशन फॉर द पूजा. सुमिता बेटा आपका नेट इशू है बहुत ज्यादा. वेरी गुड. नेक्स्ट पांडे. आयुष पांडे सुनाइए बच्चा. बॉर्न टू किंग दशरथ एंड क्वीन कौशल्या इन अयोध्या इन द त्रेता युग Ram is considered the seventh incarnation of Vishnu and his birth is commemorated as Ram Navami in India. It is celebrated as a spring Hindu festival on the ninth day of Chaitra Navratri, which marks the birth of Ram, the seventh avatar of Vishnu.
वेरी गुड बच्चा. नेक्स्ट कोई सुनाएगा इसके अलावा? आर्टिकल्स को सुनाए, किसी के पास कोई पोयम हो मैम, कुशाग्र शर्मा रिलेटेड, या फिर कोई गाना सुनाना चाहते हैं या कुछ और कहानी बताना चाहते हैं? बताइए बच्चा. मैम मैंने एक स्पीच तैयार की है. हाँ जी, मैंने रामनवमी हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है. हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है. इसलिए इस दिन को चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी भी कहा जाता है. लोग नवमी के दिन अपने घरों में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने बैठकर अपने परिवार की सुख शांति मांगते हैं. वेरी गुड अंजलि. नेक्स्ट कोई और सुनाएगा? नेक्स्ट कौन? इंशा सुनाइए बच्चा. यस मैम. रामनवमी इज अ फेमस हिंदू फेस्ट. रामनवमी इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया. इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा. लॉर्ड रामा वाज द एल्डेस्ट सन अमंग द फोर सन्स ऑफ द किंग ऑफ अयोध्या दशरथ. हिज मदर्स नेम वाज कौशल्या. Lord Rama is also known as the seventh incarnation of Lord Vishnu. According to Hindu calendar, Ram Navami falls on the ninth day of the Chaitra month. Happy Ram Navami. Thank you. Very good, bacha. Bahut acha sunaya. Next, Ishan. Ma'am, maine speech likhi hai. त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था. उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, इसलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है. यह दिन चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है. Very good, Ishan. Very good. Naman. Yes, bacha, Naman. Yes. Mam, hame speech sunani hai. Sunaiye. Kisi ne koi gana prepare nahi kiya, koi dance prepare nahi kiya. Abhi class ke baad aap logo ne koi ek achhi video banani hai. Ho sakta hai wo speech ho. Matlab kuch dance ho, koi ek achha sa act ho. Kuch different karke dikhana hai aapne, theek hai? Phir jab aap video bhej denge, last time mein video ka. अभी 2 बज जाएंगे, लास्ट आप 4 बजे तक, 2 घंटे हैं आपके पास. 2 घंटे में कोई भी एक्ट हो, सॉन्ग हो, वीडियो हो, डांस हो, ये आपने प्रिपेयर करके मुझे भेजना ही है. और इन एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बाद में जो जितना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा 10 मार्क्स लगते हैं टीचर्स के पास, तो उसमें से आपको मार्क्स मिलेगा, राइट? तो आप लोगों ने वीडियो प्रिपेयर करके मुझे सेंड करना है 4 बजे तक. 4 के बाद जिसका वीडियो आएगा उसको मैं अपलोड नहीं करूंगी, ठीक है? तो YouTube चैनल जो है हमारे स्कूल का, उस पर अपलोड होगा, तो उससे पहले आप मुझे वीडियो सेंड कर दें, एक अच्छी सी स्पीच या कुछ भी, कोई एक्ट या कोई डांस रिलेटेड टू रामनवमी. ओके, चलिए नमन सुनाइए बच्चा. रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम ने अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर जन्म लिया था. रामनवमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है. इस विशेष, ये वैसे तो यह पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर उत्तरी भारत में इसका खासा महत्व है. वेरी गुड नमन, शाबाश, बहुत बढ़िया. अच्छा, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम ड्राइंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एक अच्छा सा ड्राइंग कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं. लेकिन जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपकी फोटो, ठीक है, लाइक जैसे मैंने ये ड्राइंग किया, एक सेकेंड, आप देखिए शीट है मेरी, तो ऐसे फोटो भेजना है आपको.
फोटो भी दिखे ड्राइंग का और आपका फेस भी दिखे कि आपने बनाया ये ड्राइंग, ठीक है? नाम लिखा हो, क्लास लिखा हो, टीचर्स का नाम लिखा हो, ओके? आप सबको मेरा नाम पता है ना? यस मैम. ठीक है, तो आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और फोटो इस तरीके से आएगी एकदम सीधा स्टाइल में, नहीं सीधा ये रखा फोटो और आपका फोटो, तब आप मुझे सेंड कर देंगे 4 बजे तक, ओके? तो ठीक है, यही क्लास खत्म करते हैं. आप 4 बजे तक मुझे वीडियो भेज देना, ठीक है? आज आपने स्टोरी देखी, कैसा लगा रामनवमी की स्टोरी? आपको समझ आई सभी को? घर पे अब सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, सेफ रहो, हाथ धोते रहो, मास्क पहन के बाहर जाना, बाहर तो जाना ही नहीं है, लॉकडाउन है, ओके मैम? यस मैम, हमने फोटो खींची तो